अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं माशाल्लाह से बड़े अच्छे चलते आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ पहले ख़तो खिताबत का सिलसिला भी चलता रहा और इस ख़तो खिताबत के अंदर अब इमरान खान साहब ने भी भारत एक ख़त अपना रवाना किया और उस ख़त के अंदर नाज़रीन उन्होंने मोदी से जहाँ अच्छे ताल्लुकात की कोशिश को अप्रिशिएट भी किया, यानी कि जो मोदी ने कोशिश किया अच्छे ताल्लुकात की, हालाँकि पाकिस्तान ने पहले ये शुरू किया, लेकिन बहरहाल ये एक पॉजिटिव चीज़ चल रही है तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं लानी है। लेकिन एक जो उनके लेटर के अंदर अहम चीज़ सामने आई है ना, वो बड़ी मज़े की, और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह मोदी ने जितनी भी मेहनत की हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के हवाले से, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के हवाले से, जितना भी उसने प्रोपोगंडा किया हुआ था, इमरान खान के लेटर के एक छोटे से चंद जुमलों ने कैसे मोदी की 2014 बल्कि उससे पहले की जो मेहनत चल रही थी उसके ऊपर पानी फेरा। इमरान खान साहब ने अपने लेटर के अंदर कहा है, मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि 23 मार्च को उन्होंने जो ग्रीटिंग्स दी, उन्होंने जो लेटर लिखा पाकिस्तान को 23 मार्च के हवाले से, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जो 23 मार्च का दिन होता है बेसिकली वो हमारी जो कौम है वो अपने बुजुर्गों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दिन मनाती है, कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा फैसला लिया था अलग पाकिस्तान बनाने का, या हमारे बुजुर्गों की वजह से ही हम जो आज़ादी की आज सांसें ले रहे हैं, यानी कि इसका मुद्दा जो है वो यही बनता है कि हम बेसिकली वो दिन मनाते हैं अपने बुजुर्गों की मेहनतों को, उनकी कुर्बानियों को याद करने के हवाले से, और हमारी जो बुजुर्गों की जो सोच थी, जो उनका नजरिया था, जो उनका माइंड सेट था, वो यही था कि हिंदू मुसलमान कभी भी एक जगह पर मिलकर अमन से नहीं रह सकते हैं, एक अलग पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब ये मेहनत जो मोदी की थी ये ज़ाया किस तरह हुई है, ये मेहनत जो है पानी इस पर किस तरह फेरा है वज़ीर आज़म इमरान खान की इस चंद फिक्रों की वजह से, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब से मोदी सियासत में आया है उस वक्त से बीजेपी और मोदी का जो नैरेटिव है वो एक ही है कि पाकिस्तान को किसी सूरत कबूल नहीं करना है, पाकिस्तान के साथ किसी तरह भी अच्छे ताल्लुकात नहीं करने। यानी कि आप ये देखें कि मोदी ने जितने भी इलेक्शन जीते हैं किस बेस पर जीते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करके, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नफरत पैदा करके कि मैं पाकिस्तान का ये कर दूंगा, मैं पाकिस्तान का वो कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को तबाह कर दूंगा, मैं पाकिस्तान के टुकड़े कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को उजाड़ दूंगा, मैं पाकिस्तान पे कब्जा कर लूंगा, मैं पाकिस्तान के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत कुछ कर दूंगा, और इन्हीं नारों के ऊपर, इन वादों के ऊपर उसने इलेक्शन जीतना शुरू किया हुआ। लेकिन अब आगे इमरान खान साहब ने ये जो दो चार फिक्रे उनको बता दिए हैं, या जो चार दो चार फिक्रे, क्योंकि अमन का पैगाम चल रहा है तो अमन के पैगाम के साथ साथ ही इमरान खान की शानदार डिप्लोमेसी का एक मुजाहरा सामने आया, तो इसको भी सामने लाना इंतहाई जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हमारे लीडर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे लीडर्स की जो माइंड सेट, हमारे लीडर्स का जो माइंड सेट है, जो अप्रोच है, वो अप्रोच कहां तक है, या उनके जो अल्फाज हैं वो अल्फाज कितने कीमती हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान ने किस तरह से अमन का पैगाम देने के साथ साथ मोदी को और मोदी की जो बीजेपी है उसको वाजे तौर पर यह भी बता दिया है कि हम अपने बुजुर्गों की जो कुर्बानियां हैं हम उनको हमेशा याद रखेंगे, आपने अगर हमारे साथ अमन के साथ चलना है तो मोस्ट वेलकम, आप एक कदम बढ़ाएंगे हम 10 कदम आगे आएंगे, और जो दोनों खित्तों, बल्कि जो खित्ते और दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो मजीद बेहतर होंगे। अब इन हालात के अंदर नाज़रीन एक और अहम और बड़ा छोटा सा पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि अवाम, भारत की और पाकिस्तान की जो अवाम है, अब ये फैसला अवाम ने करना है कि क्या वो एक दूसरे के साथ करीब आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, या वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, या वो एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। तो पाकिस्तानी अवाम ने तो हमेशा ही अमन को प्रमोट किया, पाकिस्तानी अवाम ने तो हमेशा ही कहा है कि हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं लेते होते, या हम किसी को जानबूझ कर नुकसान नहीं देते होते, हमारे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, अगर कोई हमारे लिए नफरत दिल में नहीं रखता। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के भारत से जो ताल्लुकात हैं वो ठीक हो जाए, और अगर आप भारतीय हैं तो आप भी ज़रूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए या नहीं।